क्या शुरुआत क्या है बीमा को लेना केस वो भी बताना। तो साथियों आप लोग सबको मालूम होना चाहिए कि भीमा कोरेगांव पुणे से 40-45 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां एक 1818 में महार जो यहाँ हम लोग उत्तर भारत में चमार बोलते हैं वहां महार, तो महार समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश आर्मी में अंग्रेजों की आर्मी में उन्होंने जो वहां पे महाराष्ट्र इस रूप से जो अभी महाराष्ट्र है ये तो इंडिपेंडेंस के बाद महाराष्ट्र है, लेकिन वहां जो बड़े पैमाने में जहाँ मराठा लोग रहते थे उस वहां पे पेशवा की वचन उन लोगों का राज था और उनसे क्रूर कोई हो नहीं सकता था। पेशवाई राज के ऊपर इतने गीत इतने नाटक, मैंने मैंने हमने तो उसी के जरिए स्कूल कॉलेज में एक एक जो महाराष्ट्र का बड़ा लेखक है उसने पेशवाई राज का अत्याचार के बारे में रखा है और उनका अत्याचार दलितों के प्रति तो इतना ज्यादा है पेशवाई का। तो पेशवाई को जब हराया तो तब उन लोगों को लगा कि महार को लगा हमारी ये ऐतिहासिक जीत हुई है ब्राह्मणों के ऊपर ब्राह्मणवाद के ऊपर। वो पेशवाई जो महाराष्ट्र वो लोग जो राजा लोग थे वो ब्राह्मण राजा लोग थे। तो ये एक हमारे इतिहास में शायद स्कूल में तो आपने पढ़ा नहीं हो लेकिन एक बहुत जरूरी स्तंभ है ये जो भीमा कोरेगांव का। तो इसके 100 साल बाद अंबेडकर ने 1918 में जब 100 वर्ष हुए थे भीमा कोरेगांव की जीत, और वो कहाँ जीत हुई थी, वो भीमा कोरेगांव दो वो है नदी है भीमा कोरेगांव तो उसके उधर जीत हुई थी, तो उन्होंने एक स्तंभ बनवाया था वहाँ उस जीत को याद करते हुए और महार जो रेजिमेंट थी उसका शौर्य और वो जीत ज्यादा देख रहे थे कैसे अत्याचार के ऊपर छुआछूत के ऊपर जीत रही। तो हर साल वहां पे बुलाना नहीं पड़ता है लोगों को, हर साल 1 जनवरी जिस दिन वो जीत हुई थी लाखों दलित पहुंचते हैं और दिन भर रहते हैं वहां पे, वो जो स्तंभ बना हुआ है और भी बहुत अच्छा है वहां पे जाते मेला लगता है, लोग अपनी जो भी है प्रार्थना वो सब करके चले। तो 2017 31 दिसंबर को उसके पहले 2-3 महीने पहले से प्रक्रिया शुरू हो गई थी जहाँ 250 संगठन जिसमें संस्कृति संगठन थे दलित संगठन थे महिला संगठन थे महाराष्ट्र के एक साथ आए और उन्होंने तय किया कि इस बार हम लोग सब मिलकर एक सम्मेलन करेंगे। तो उन्होंने एक आह्वान किया उसको कहा एल्गार परिषद, परिषद माने एकजुट होना। तो वो लोग एकजुट हुए 31 दिसंबर को और वो जो जलसा किया था उस जलसे में दो एक सुप्रीम कोर्ट के जज उनके अभी हाल ही में देहांत हुआ जस्टिस सावंत और जस्टिस कौन से पाथुर वो बॉम्बे हाईकोर्ट में होते थे, उन्होंने देखा कोर्ट कर रहे हैं उन्होंने बहुत पहले रिजाइन कर दिया था। तो ये दोनों की अध्यक्षता में एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम हुआ 3-4 दिन का और अंत हुआ 31 की शाम को, मैंने 30 को शुरू हुआ 31 तक चला और जो लोग जिनको जाना था हर साल वो तो जाते थे, कुछ लोग जरूर पुणे के जहाँ शनिवार वाड़ा में पूरा हमारे है। फिर जब वो लोग जा रहे थे 1 तारीख को लोग जब जा रहे थे उसके कुछ दिन पहले, माफ करना मैं अपने 10-15 मिनट में खत्म कर लूंगी लेकिन ये भी जानना जरूरी है क्योंकि हमारे फर्स्ट को खोया है झूठे मामले में तो हमें मालूम होना चाहिए दरअसल कैसे। तो क्या हो रहा था आपको मालूम होना चाहिए कि इसी भीमा कोरेगांव इलाके में 1659 ऐसे कुछ में औरंगजेब और
छुआ भी सामाजिक को तो हम उसको काट देंगे। तो वहाँ महार परिवार रह रहे थे उस नदी के किनारे जहाँ काटा था, उन्होंने उनकी बॉडी को सिया और उन्होंने उनका पूरा जो करते ना जो उनको जलाया और सारा कुछ उनको किया और उनकी समाधि भी लेते हैं। तो ये मराठाओं ने कभी नहीं स्वीकारा कि दलितों ने दरअसल सामाजिक के को इज्जत से उनका वो किया था। इसी चीज को लेके दो हिंदुत्व संगठन हैं, एक दलित एक बोटे करके चलाते और एक सामाजिक भिड़े करके चलाते। इन लोगों ने ये बहुत गंदी हिंदुत्व संस्थाएं जो हम बरगलाती हैं, अनेक केस मिलिंद एक बोटे पे पहले भी हो रखे हैं और जो सामाजिक भिड़े हैं उनको कहते हैं कि वो मोदी जी के गुरु हैं तो उनको कोई छू नहीं सकता है। तो इन लोगों ने माहौल बनाया इसी चीज पे। तो जब लोग बीमा पूरे गाँव में याद करते हैं तो लोग उस समाधि पे जाते हैं जिस दलित परिवार ने सामाजिक को भी उनको इज्जत से उनका अंतिम संस्कार किया था। तो उन्होंने तो पर्चे निकाले। अब आप देखिए क्योंकि इस बार जब 250 लोग भीमा कोरेगांव के 200 एनिवर्सरी 200 वर्ष एनिवर्सरी के लिए आए थे तो उनको लगा कि मराठाओं क्यों चिर मच रही थी, क्या हो रहा था, ये पॉलिटिक्स जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ मराठाओं का दबदबा है। मैं आपका झारखंड को जानती नहीं किसका दबदबा है लेकिन वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड मराठाओं का दबदबा है। तो उनको लगने लगा कि एक तो ये जो एल्गार परिषद किया उसमें दलित और मराठा एक साथ आ गए और दूसरा उनको लगा कि ये जो कहानी महार लोग बताते हैं इसी को सब सुन रहे हैं। तो इन्होंने पर्चे बांटने लग गए कि ये जो सामाजिक वाला जो अंतिम संस्कार है ये सब गलत है। तो जब 1 तारीख को बसे भर करके वो अपने आप अपने अपने इलाके से पूरे महाराष्ट्र के दलित पहुंचते हैं तो जब जाने लगे उनमें हमला हुआ, एक व्यक्ति मारा भी गया, बसें जलाई भी गई। दुकान और दूरी क्या है पुणे से वो बीमा करके 45 किलोमीटर उतनी गई हूँ, बहुत छोटी डिस्टेंस है। तो उन्होंने दुकानें जलाई, बसें जलाई और बहुत हिंसा दलितों पे हमला हुआ। तो इसके ऊपर दलित लोग बहुत नाराज हैं और 3 जनवरी को महाराष्ट्र बंद हुए और एक महिला ने सबसे पहली FIR महिला देखे और सामाजिक भिड़े के विरोध में FIR की कि इन्हीं लोगों ने बरगलाया लोगों को और हम लोगों पे हमला करवाया। तो वो एक FIR हुई। उसके कुछ दिनों बाद एक और FIR हुई कि ये तो 8 जनवरी को कि ये तो एल्गार परिषद ने बरगलाया था दलितों को हमला दंगा आगजनी करने के लिए और ये नक्सलवादी लोग एल्गार परिषद को आयोजित कर रहे थे क्योंकि उसमें कुछ जैसे लोग थे जो जैसे मेरे पर केस लगा दिया, फादर पर केस लगा दिया, नक्सलवादी क्या वो नक्सलवाद हम सब जानते हैं कि फादर स्टैन गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो एक अलग बात है कि माओवादी लोगों का रुझान उन मुद्दों पे हो सकता है, मेरा रुझान उन मुद्दों पे हो सकता है, इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं माओवादी हूँ। हम अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं हमारे कोई मुद्दे पे लड़ने के लिए। तो उसमें कई लोगों पे आरोप लगाया था और वो लोग एल्गार परिषद थे, एक थे सुधीर धवले। तो जब कार्यक्रम अंत हो रहा था तो सुधीर धवले ने एक पोएम पढ़ी, मुझे वो पोएम पढ़नी थी, वो बहुत जबरदस्त पोएम है, हम सबको अपने आंदोलन में इस्तेमाल करनी थी। मेरे उस पोएम का मूल है, उन्होंने एक पोएम जो पेशवाई का अंत पे जो किसी एक बहुत बड़े महाराष्ट्रीय पोएम ने लिखी वो पोएम सुधीर धवले कल्चरल एक्टिविस्ट, एक दलित कल्चरल एक्टिविस्ट है और उन्होंने संस्था बना रखी है रिपब्लिकन पैंथर्स करके, सांस्कृतिक संस्था है, बहुत युवा लोग हैं सब। तो उन्होंने जो पढ़ा कि आज का पेशवाई मोदी नरेंद्र मोदी और इनका राज है और इस अंधेरे से उजाले तक ये लड़ाई हम लड़ते जाएंगे, एक बहुत सुंदर कविता उससे अंत हुआ। तो उस कविता का भी अनर्थ लगा दिया कि इस कविता ने बरगलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि पेशवाई राज जैसे क्रूर राज और सबको खत्म करना जो भी। तो अब हो गया उल्टा क्योंकि 8 तारीख की FIR को शुरू में तो पुणे पुलिस वही
दिसंबर 2017 एक तारीख को भीमा कोरेगांव आठ दो FIR एक दो तारीख की आठ तारीख FIR तो आठ तारीख की FIR अचानक से अभी तक तो वो दो तारीख की FIR चल रही है जो अनीता करके एक लड़की ने लगाई। अब अचानक से मिलिंद एक बोटे को बेल मिलती है और मई में हमारे सुरेंद्र गैडलिंग नागपुर हमारे महाराष्ट्र के कुछ लोगों के ऊपर रेड होता है और रोना विल्सन तो रोना विल्सन दिल्ली में मैंने उनके बारे बताया था उनके बारे में वो एक रिसर्च एसोसिएट है उनके घर में रेड पड़ा। सुरेंद्र गैडलिंग के घर में रेड करने से पहले पुलिस आई उनका कंप्यूटर उठा लेंगे और बिना वो वकील इतने बड़े वकील दलितों की केस लंबे समय से नागपुर के हाईकोर्ट में लड़ते हैं और वो जो माओवादी के नाम पे लोग पकड़े जाते कोई वकील नहीं आते क्योंकि बहुत खतरनाक नागपुर पुलिस है महाराष्ट्र पुलिस वाकई बहुत खतरनाक पुलिस है तो वकील लोग भी डरते हैं। तो सुरेंद्र गैडलिंग जी बहुत जबरदस्त ढंग से काम कर रहे थे और जिन लोगों को माओवादी के नाम पे भी पकड़ के गलत गलत डाल रखा था सबको राइट टू डिफेंस तो सबको है। मैं माओवादी भी हूँ मान लो या मैं आतंकवादी हूँ मैं जेल में डालती हूँ हमारा देश का कानून कहता है कि मुझे हक है कि बिल्कुल ही सही और न्याय उचित मेरा पूरा अदालत में ट्रायल हो तो वकील को खड़ा करना पड़ेगा। तो सुरेंद्र गैडलिंग बहुत लड़ाई लड़ रहे थे और तो उनको भी उठा लिया और उनका कंप्यूटर उठा लिया। फिर 6 जून को उन्होंने प्रोफेसर शोभा सिंह उनका 31 जुलाई को नागपुर यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट था वो एक प्रोफेसर थी उनको उठाया सुरेंद्र गैडलिंग को उठाया सुधीर धावाले को उठाया उन्होंने रोना विल्सन को उठाया और एक युवा लड़का महेश राउत जो ग्राम सभा वो महाराष्ट्र का आपको मालूम होना चाहिए रिहाई सा आदिवासी इलाका है और गढ़चिरौली करके बहुत बड़ा है डिस्ट्रिक्ट और अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी आदिवासी लोग रहते तो वो केवल ग्राम सभा को लेकर आंदोलन कर रहा था क्योंकि उसके बाद हमने एक बैठक की थी तो इतने लोग आते रोते हुए कि ये लड़का ने तो हमको ग्राम सभाएं हमारे गाँव में खड़ी करी और ये इतना बढ़िया लड़का था क्योंकि इस लड़के ने TISS टाटा इंस्टीट्यूट से भी उसने उसको प्राइम मिनिस्टर की फेलोशिप मिली मैंने बहुत होना। तो इस तरीके से इन 5 लोग को पकड़ा और इसके बाद उन्होंने 28 अगस्त को उन्होंने एक बड़ा रेड किया और उस रेड में तो आप देख सकते मैं बस इतना बताना चाहती हूँ मैं 28 अगस्त की रेड से पहले की क्योंकि मालूम होना चाहिए आप लोगों को पता नहीं मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इंद्रावती एक नदी है जो छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जाती है और इंद्रावती नदी में लाशें ये लाशें मिलती हैं 2019 में मई में जून में जुलाई में करीब 70-80 लाशें मिल गई। तो सबको पता था कि इन लोगों ने सीधा पुलिस ने आदिवासियों को मारा है माओवादी के नाम पर उनको नदी के अंदर डाला तो उसको लेके फैक्ट फाइंडिंग सुरेंद्र गैडलिंग महेश राउत ये युवा महेश राउत पे सबसे ज्यादा हमारे पास पूछती है कि आप लोग आइए हमें ये कलाम PUCL से आपको करना चाहिए 70-80 लाशें मिली है पूरा देश चुप है अखबार लिख नहीं रहे हैं तो वो सबको नच कर रहा था कि चलो चलो तो एक बहुत बड़ी टीम बनी और लोगों ने जाके जांच की इससे पुलिस बहुत नाराज थी। तो महेश राउत और सुरेंद्र गैडलिंग इन सबको तो इन्हीं के कारण बड़ा सुधीर धावाले सरकार परिषद को बनाया था। तो 28 अगस्त को जब रेड होता है फारस टायर के बगाचा में भी ये सब 2018 की बात कर रही हूँ उस रेड में ये जरूरी आप लोगों को जानना कि सुधा भारद्वाज और फारस टायर दोनों को इससे अनेक कारणों से पकड़ा और एक कारण ये भी था कि इन लोगों ने एक ऑल इंडिया कमेटी जो राजनीतिक बंद हो अब फारस टायर का तो पूरा काम जब उन्होंने जोहार बनाई वो किसके लिए काम कर रहे थे वो राजनीतिक बंदियों के लिए काम कर रहे थे जो रिट लगाई उन्होंने उसमें भी राजनीतिक उनका पूरा जीवन शायद आप लोग ज्यादा जानते हैं राजनीतिक बंदियों के लिए। तो सुधा के साथ वो वाइस प्रेसिडेंट थे इस संरचना जो बनाई थी और हम लोग सबको काम करना है निकालना है जो गलत हो अंदर जा रहा है तो उससे हम लोग चिड़े हुए थे
आप सबको बताया कि उस लिफ्ट में अरे खुद जो फारस्टान है उनको भी बताया कि अनेक नोटिस आ गए तो उनपे उनको लगा कि पहले पत्थरगढ़ी में फंसाया फिर भीमा कोरेगांव में उनको डाल दिया क्योंकि वो उनको सुधा के साथ जोड़ रहे थे पॉलिटिकल प्रिजनर भी दिया किन्हें जोड़ रहे थे और सुधा जिनका बिल्कुल ही चरित्र कुछ है ही नहीं इस तरीके से माओवादी वगैरह वो वकील थी वकालत जम के की वो मैंने कभी वकील तो बाद में बनी है वो तो इसमें काम कर रही थी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा में लेबर यूनियन का काम कर रही थी फिर वकील बनती है और फिर उन्होंने वकालत में लेबर केसेस और अन्य मानव अधिकार केसेस उन्होंने लड़े और इस तरीके से गौतम नवलखा को भी दिल्ली में पकड़ लिया है। गौतम नवलखा एक लेखक है एक विचारक है और उन्होंने हमारे देश में हमको आज़ादी है अगर हमें लगता है किसी भी आदिवासियों आज इतनी खुल के बात हुई आज जब हमें गांधी की आलोचना करनी थी हमने गांधी की आलोचना की तो हमने तो उन्होंने खुल के जो कश्मीर के ऊपर हमारे फोर्स हमारे आर्मी ने जो किया है गलत उसको लेकर वो उन्होंने बहुत खुल के लिखा वो माओवादी के नाम पे जो हिंसा होती थी वो उसके ऊपर उन्होंने लिखा वो PUDR में थे EPW एक मैगजीन उसके भी असिस्टेंट एडिटर लंबे समय तक गए खैर तो उनके घर भी पहुंच गए उनको भी गिरफ्तार कर लिया और बॉम्बे में अरुण फरेरा और वर्न गंजालवेस दोनों लेबर के साथ काम करते हैं दोनों को पकड़ लिया पहले भी एक बार इन लोगों को पकड़ कुछ मिला नहीं छूट गए थे 2005-06 में और वर राव एक सांस्कृतिक मंच है वहाँ पे वीरसम उसके वो एक तरीके से बनाने में उनकी स्थापना में उसकी भूमिका थी बहुत बड़े पोएट है बहुत लिखते थे उनको जाके गिरफ्तार किया खैर दो महीने तो इन लोगों को हाउस अरेस्ट में रखा फिर उसके बाद सबकी जेल हुई और हमें पता है एक साल बाद जाके 2019 में फारस्टैन को कहते और फारस्टैन से पहले एक हानी बाबू एक प्रोफेसर हानी बाबू दिल्ली में मुसलमान आपको मालूम होना चाहिए कुल मिला के जो लोग मजदूरों के साथ काम करते हैं उनको पकड़ा जो लोग आदिवासियों के साथ काम करते हैं उनको पकड़ा प्रोफेसर हानी बाबू को क्यों पकड़ा वो तो देश के सबसे बड़े भाषा की जो साइंस है भाषा शास्त्र के इतने बड़े टीचर हैं भाषा साइंस के और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो उनको क्यों पकड़ लिया भाषा साइंस के क्योंकि जब साई बाबा एक इसके पहले कुछ लोगों को और को जेल में डाला था वो भीमा कोरेगांव केस में मैंने ये सरकार इतना डरती है कि जो एकदम 100% डिसेबल्ड व्यक्ति मैंने उनसे चला नहीं जाता वो बैठ नहीं सकते वो लेटेंगे उनको व्हील चेयर में रखते हैं फिर वो चल पाते हैं थोड़ा मैंने पूरी स्पाइन नहीं गई है जो 95% व्यक्ति जो एकदम डिसेबल्ड है उसको जेल में डाल रखा है उनको बेल नहीं दे रहे तो हैनी बाबू ने बहुत भागदौड़ करी रिलीज में वो उन्होंने काम किया तो उनको पकड़ के ले गए तो हैनी बाबू और उनके भी कंप्यूटर ले गए सब ले गए और कबीर कला मंच जो सांस्कृतिक उनके भी लोग को अपने डाला था पहले यंग सारे युवा लोग उनको ये बोला कि आप लोग सब मान ये कह दो हमारी तरफ से सुरेंद्र कैटलिंग ऐसे हैं फादर स्टार ऐसे हैं इनके बारे में सुधा के बारे में ऐसे बोल दो रौना के बारे में ऐसे बोल दो तो हम लोग आपको छोड़ देंगे तो उन्होंने कहा हमें बात कीजिए सोचने के लिए वो थाने के बाहर निकले और उन्होंने एक वीडियो बनाया और उन्होंने कहा अभी हम लोग फलाने आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पूरा झूठा केस पूरा बना तो जब सरकार बनी महाराष्ट्र में 2019 में तो महाराष्ट्र में सब पूरे देश की सिविल सोसाइटी का दबाव था इस केस को देखिए तो उन्होंने एक कमेटी बना ली उस केस को देखने के लिए तो रन भारत सरकार ने क्या किया क्योंकि उनको पता है पूरा झूठा केस है पूरी पुणे पुलिस और फडणवीस सरकार उससे जाएगी उन्होंने तुरंत NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऐसी है वो किसी राज्य में आ सकती है उसको कोई परमिशन नहीं चाहिए कोई भी केस ले सकती है और उसने उठा के वो केस ले लिया इसका मतलब जो गवाह था इन्होंने झूठ जो तो उस झूठ को ही कायम रखने के लिए NIA तो वो निकले NIA थाने से NIA जहाँ बुलाया था
बाहर निकले, थोड़ा आगे गए, वीडियो बनाया कि अब हमारी जान खतरे में है, हमें पकड़ा जा सकता है, तो हम आपको ये मदद कर रहे हैं। और उन्होंने उस वीडियो को वायरल कर दिया और तो दोनों को तो उन्होंने तुरंत ही पकड़ लिया। ज्योति जगताप एक और महिला उस ग्रुप में, उसको अगले दिन पकड़ लिया। तो इस तरीके से सारे गए। अब उस केस में क्या हो रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस दिन फादर स्टैन को अरेस्ट किया था 9 अक्टूबर को, उस दिन चालान डाला गया था 10,000 पन्ने का। फादर स्टैन, हैनी बाबू और गौतम नामक आनंद ने जो एक साल के बाद थे और इन लोगों के लिए कभी खराब, उसके पहले 25,000 पन्ने की सुधा भारद्वाज और इन सब के लिए डाला था। मैं लोग गलती बन चुकी है। तो अब वो केस क्या हुआ, मैं अपनी बात मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ इसी चीज को बोल के कि देखिए उस केस में अभी हर जना बेल ट्राई कर रहा है क्योंकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल जो पहली चीज ट्रायल में होती है कि जब पुलिस ने चालान भर दिया है, चालान फाइल कर दिया, सबसे पहले होते हैं कि चार्ज बहस होती है कि वो कहेंगे कि इनके ऊपर UAPA की टेरर आतंकवाद कानून की ये धारा डालो, राष्ट्रद्रोह डालो, ये धारा डालो, वो धारा डालो, चार्ज बहस होती है। अभी तक तो कोई नहीं हुई है और तब तो लोग सब बेल ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये जल केस तो 10 साल चलेगा। अब मैं कह रही हूँ ट्रायल 10 साल चलाएंगे और हमें इनको निकालना है, हमें बेल पे सबको निकालना है। तो दो बातें आपको याद रखनी चाहिए कि एक तो बहुत पीड़ा में लोग जिए हैं कोविड के कारण, वरवर राव इतने बीमार पड़े, हम वरवर राव को बचा पाए क्योंकि पहली बार उसी केस के जरिए एक प्रिंसिपल निकला कि अगर उनकी राइट टू हेल्थ के मेरे स्वास्थ्य की पूर्ति, अगर सरकार को मेरे स्वास्थ्य की पूर्ति हर हालत में होती है और अगर जेल में कुछ है तो मुझे बेस्ट दिया जाए, तो उनको राइट टू हेल्थ केयर के उस पर उनको बेल मिली। तो वो अभी तक बाहर है, 15 अक्टूबर तक बाहर है, उनको 1 साल हो गया बाहर हुए, 1 साल नहीं 10 महीने हो गए, 9 महीने हो गए हैं, लेकिन वो अंदर वापस जा सकते हैं। लेकिन उनको बुरा कोविड हुआ, हैनी बाबू को इतना बुरा कोविड हुआ और उनको फंगस आप में लगभग होगी, खैर वो ठीक हो गए और फादर इस जंग को हार गए, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ और बेल नहीं मिली किसी को। लेकिन अब हो सकता है 8 लोगों को बेल मिले और इस चीज को आप ध्यान सुनिए और मेरी बात में यही समाप्त करूंगी। उसको कहते हैं किन किन चीजों में हमें स्टैट्यूटरी बेल मिलती है, जैसे 90 दिन में चालान नहीं डाला तो अदालत आपको बेल दे सकती है। तो इनके केस में क्या हुआ, केवल ये बहुत ध्यान से सुनिए, केवल स्पेशल कोर्ट 90 दिन से 180 दिन जो आतंकवाद कानून UAPA में है, 90 दिन में चालान नहीं भरा, 180 दिन में तो भर ही दीजिएगा चालान, परमिशन कौन देगा, केवल स्पेशल कोर्ट दे सकती है। स्पेशल कोर्ट के पास नहीं गए, वो यूं ही किसी मैजिस्ट्रेट के पुणे में बैठे हुए थे, उनसे एक्सटेंशन ले रहे थे। तो अब ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने जब एक्सटेंशन स्पेशल कोर्ट ने नहीं दी है, उन्होंने बेल दिया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले एक जजमेंट दिया था ये कहते हुए कि और कोई कोर्ट दे नहीं सकता एक्सटेंशन, केवल स्पेशल कोर्ट और यहाँ NIA कोर्ट या जो UAPA कोर्ट बना रखा स्पेशल कोर्ट वो दे सकता है। तो यू चौधरी और अन्य लॉयर्स ने जबरदस्त आर्ग्यूमेंट किया। अब उसका जजमेंट आ रहा था, आने वाला था उसका जजमेंट, क्योंकि इनको मिलनी है बेल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जाए किसी के आदेश, लेकिन जो मेन जज था उसका ट्रांसफर हो गया है। अब क्या दोबारा सुनवाई होगी या वो जज जिसको नागपुर भेज, दो बेंच है वहां, जिसको नागपुर भेजा है औरंगाबाद का भेजा है, वो लिख के जाएगा, कई बार करते हैं कि तुमने पूरा केस सुन लिया तो कहते हैं आप ही जजमेंट लिख के दे देना, कई बार करते हैं जब ट्रांसफर हो जाता है, भाई राज्य में ही तो ट्रांसफर हुआ है, वो कोई सुप्रीम कोर्ट में तो गए नहीं है। अब आप देखिए ये स्टैट्यूटरी बेल के बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे खड़े हुए थे, दहलीज पे थे और ये हो गया है। हमें सबकी रिहाई की मांग के अलावा और कुछ भी नहीं है। आर्सेनिक रिपोर्ट क्योंकि मैंने कल बता दिया, पर वो मेरिट्स ऑफ द केस है, हम मेरिट्स ऑफ द केस बाद में देखें, झूठे केस में डाल रखा है, अनायास रख रखा है, ट्रायल कभी होगा नहीं, ट्रायल होते होते 10 साल होगा, सब बरी होंगे। जॉन ग्रेस खुद कह रहे थे कि मेरे साथ 10,000 पे
धन्यवाद की बात समाप्त। ये दो प्रक्रिया भी चली, लेकिन क्योंकि लोग आंदोलन और संघर्ष के क्रम में अपने पीछे के चीजों को छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं और कुछ गिने चुने मुद्दों पर अपने अपने संगठन में काम कर पाते हैं, लेकिन जैसा लोग बात करते आ रहे हैं बहुत सारे विषयों पर, उन्हीं सारे विषयों के अंदर जो कार्यकर्ताओं और गांवों में जो केंद्र का दमन, अभी केंद्र का दमन हम कर सकते हैं, उस समय जो इस साल का झारखंड का जो सफर है उसने करीब 16 साल भाजपा का शासन रहा और भाजपा के शासनकाल में सबसे ज्यादा आदिवासी गांव और आदिवासी युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर दमन हुआ और इस दमन को राजकीय दमन, मानव अधिकार का उल्लंघन जैसे सवाल को लेकर कह सकते हैं कि एक लौटा आदमी थे फादर स्पेन स्वामी और उनका भी एक सांसनिक हत्या कर दी गई, तो ये झारखंड इस हत्या को इस दृष्टि से देखता है और एक एक सवाल भी खड़ा करता है कि जो 21 साल का जो झारखंड का सफर में 16 साल भाजपा का रहा, उसमें लगातार माओवादी के नाम पर फर्जी केस, फर्जी मुकदमे, फर्जी इनकाउंटर के अलावा नए नए कानून बनाकर आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता जो विस्थापन, जंगल जमीन, फॉरेस्ट राइट एक्ट और तमाम आंदोलनों के लिए काम करते रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर गंभीर गंभीर धाराएं लगाई गई है और उस गंभीर धारा में माओवादी का एक टैग है जिसमें बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो माओवादी का शायद नाम भी ना सुना हो। और 2005 के बाद जब ग्रीन हंट प्रोजेक्ट आता है और 70 CLA का बहुत धड़ल्ले से उपयोग होता है, वैसे ही 2014 आते ही देशद्रोह का धारा 124 का बहुत तेजी से प्रयोग होता है सामाजिक कार्यकर्ताओं में। उसी तरह से 2015 जब केंद्र सरकार बहुत मजबूत होती है तो UAPA जैसे कानून आते हैं, NSA जैसे कानून आते हैं, NIS जैसे संगठन बनकर आता है और ये दमन का जो दौर था झारखंड के अंदर उसका बहुत बड़ा विस्तार रूप होता है और जेल में निर्दोष बच्चे, निर्दोष युवा, निर्दोष महिलाएं जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं और कई गांव में ऐसे दमन हुए हैं जिसमें कई महिलाओं की मौत हो गई है और उसका कोई भी केस लड़ने वाला या उस सवाल को उठाने वाला कोई नहीं होता था। ऐसे दौर में, ऐसे समय में फादर स्टेन स्वामी कई ऐसे मुद्दों को लेकर न्यायालय में गए हैं। हम उदाहरण देंगे कि बढ़निया में एक बार मिलिट्री आया और दंदना के पूरे गांव में गोली चला दी और पूरे गांव अपना गर्मी के दिनों में छप्पर बना रहा था बारिश के पहले और पूरा गांव अचानक से मातम में बदल गया। तो वैसे केस को लड़ने वाला को का थोड़ा कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, ऐसे केसों पर विचार करके स्टैंड जैसे लोग और भी PUCA जैसे कई संगठन हैं जो लड़े और SP वहां के प्रशासन को सस्पेंड कराया, सफलता पाई और उस गांव के लोगों को न्याय मिल पाया। तो ऐसी एक दमनकारी प्रक्रिया है वो अभी आप जो UAPA और NSA और CAA जैसे आंदोलन जो चल रहे हैं उन तमाम आंदोलन के बीच में जो UAPA एक बड़ा कानून लाकर पूरे देश भर में दमन का एक नया दौर शुरू किया गया है, लेकिन झारखंड 21 साल से इसको झेल रहा है, वैसे इलाकों में झेल रहा है जहां विस्थापन है, वैसे इलाकों में झेल रहा है जहां पर आंदोलन है, वैसे इलाकों में झेल रहा है जहां पर डैम बनाने की बात चल रही है, ऐसे इलाकों में चल रहा है जहां जमीन अधिग्रहण किए जा रहे हैं, ऐसे इलाकों में किए जा रहे हैं जिन इलाकों में जनता
आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय यूनाइट है, वैसे इलाकों को खत्म करने, वैसे संगठनों को खत्म करने के उद्देश्य से ये तमाम कानून लाए गए हैं। और ये सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, पूर्व राज्य सरकार द्वारा दमन का ये चक्र बहुत लंबा चला है और इसी दमन चक्र में हजारों हजार आदिवासी झारखंड के हर एक जेलों के अंदर बंद हैं और उन पर ट्रायल नहीं हुआ। जो अभी कविता जी बता रही हैं कि अब 8 लोगों का ट्रायल होने की संभावना है। ऐसे 22 साल तक, ऐसे 21 साल तक झारखंड के कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जेल में बंद हैं और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, उनको न्यायालय में उनके केसेस को लिए नहीं जा रहे हैं, वो उन पर न्याय की प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही है। ऐसे राजकीय दमन का एक बड़ा स्वरूप झारखंड है। 2014 के बाद झारखंड में और भी दमन की नई प्रक्रिया शुरू हुई। वो दमन की प्रक्रिया ये है कि झारखंड में धर्म के नाम पर लिंचिंग, जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय पर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा लिंचिंग की घटना हुई और बड़े स्तर पर युवाओं के ऊपर हमला किया गया, गाय के नाम पर इतनी हत्याएं की गई। राज का जो दमन है उसकी सीमा अनंत हो गई, ये कह सकते हैं एकदम चरम में पहुंच गया। औरतों के ऊपर छोटी काटने के नाम पर छोटी कटवा बोल के अफवाह उड़ा के हमला किया गया। तो ये राजकीय दमन पूरा 16 साल का जो प्रक्रिया था, 16 साल में पूरे गांव गांव में आंदोलनों में सामाजिक संगठनों के बीच में ये दहशत पैदा कर दिए गए हैं दमन का, जिसका 1% भी अभी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो दमन का जो सिलसिला है वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरा कि पतलगड़ी के नाम पर हजारों हजार लोगों के ऊपर भूमि में केस कर दिए गए और उसमें से राज्य सरकार ने कहा कि हम पूरे केस को वापस कर लेंगे, जिसमें से 12 केसेस को उन्होंने वापस किया, पर 11 केस को वापस किया और 12 केस को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, जबकि इस इलाके में 23 केस हुए हैं और कई लोग अभी भी पतलगड़ी के नाम पर जेल में बंद हैं, झूठे केस में बंद हैं। फादर अलबोर जिनके ऊपर झूठे बलात्कार के केस दर्ज करके आजीवन कारावास कर दिए गए हैं, ऐसे ही केस से भरा पड़ा है पूरा झारखंड। संयोग बस है कि सरकार बदली है और कल या परसों टीएससी में ये चर्चा हुआ है कि जो विचाराधीन कैदी है, जो जेल में बंद है, उन पर राज्य सरकार संज्ञान लेकर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगी। तो ये एक हमको दूसरा ज्योति जलने का दिख रहा है। जब 2019 में उन्होंने सरकार बदली और कैबिनेट का पहला फैसला आया था कि पतलगड़ी आंदोलन कर रहे सभी लोगों के ऊपर से केस उठा लेंगे, तो एक पहला दीप जला था और ये सेकेंड दीप जो टीएससी में लिया गया निर्णय है वो दूसरा दीप है। लेकिन साथ ही गहना ये चाहते हैं कि ये दमन का जो दौर है वो साइलेंट मोड में 2000 से चल रहा था, लेकिन अब वो व्यापक होने जा रहा है। व्यापक इसलिए होने जा रहा है, कविता जी ने एक शब्द कहा एनआईए, एनआईए जैसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना झारखंड में की जा रही है
हथियारों को फंस रहे हैं। तो इसी का एक उदाहरण बीराला जी हमारे साथ ये लालबनिया दुनिया से है बोकारो में, अब ये अपनी बात रखेंगे इनके अपने अनुभव के आधार पर। आज इस सहयोगी नेपाल समुदाय की धरती में झारखंड जनजाति का महासभा के निवासी संविधान में जितने में जितने भी देश के हर राज्य के कोने कोने से पहुंचे सभी भाई बहनों एवं साथियों को हम श्रद्धांजलि जोहार करना चाहेंगे। सभी साथियों को जोहार। आज हम चाहेंगे कि हम लोग यहाँ विभिन्न समुदाय से आए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के आदिवासी पहुंचे हैं यहाँ। सब हम सब लोग का भाषा अलग अलग है, इसलिए हम लोग एक दूसरे का भाषा से भी संक्षिप्त होने से अच्छा रहेंगे, इसलिए हम अपना भाषा से ही बोलेंगे, संथाली भाषा से ही। जा वाले कोई अनुमति
sampai di bawah kolam pawar rambi yang terkuat jangan sampai masih ke sampai ini tidak katakan nak dari mana boleh saya untuk misi dari tulis September dari tulis September le acara di kiri lalu ke dia mana itu kita lah kalau sudah lah yang saya tahu pas bulan lalu ke dia lalu ke kuat apa yang ambil dia apa yang ambil dia boleh nak itu boleh nak di parti bah itu September September setelah September ada tetap pemain yang harap berapa yang bisa dulu kita lalu pakai kalau kita lagi mau cerita aku pakai kaki aku lupa orang belum kuat kita lagi terus kita jadi pertanyaan biar dia keluar uang ahli dari sana dan kena sama dia dari sana juga ujian kenapa kuat aku dia pun juga bukan ahli aku sudah terhirau karena ahli aku semua sambil sepuluh juga info pernahnya kita tahu aku memang karena kami juga ya sampai लेकिन गांव में जागरूकता का अभियान अभी चला रहे हैं।
किया गया है, हर जगह एक दूसरे को दिया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ एक कंपनी वाले लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में हर तौर पर बने, फिर भी जो काटे हुए हैं, लेकिन जब ये बता रहे हैं सरकार स्तर से जब गर्मी में थे उसी दिन प्रशासन उनके गाँव गए थे और उनको किया है।
भारत में जिस जमा अत्याचार हुई है वो अत्याचार से हम मुक्ति कैसे पाएंगे बोल के। लेकिन मैं आप सब से पूछ रहा हूँ, क्या ये मौजूदा सरकार को बनाने में आपने कितने योगदान दिए, और खासकर के हमारे पश्चिम सिंहभूम या कोलान जैसे क्षेत्र में तो उस तरह के सरकार को सीधे उखाड़ फेंकने के लिए एक कसर भी हमने नहीं छोड़ा। लेकिन क्या हमने आज वो दमन और शोषण नहीं हो रही है? हमारे बगल में जो दीदी एक शब्द भी नहीं बोल रहे सकते, अपने आंखों से खुद अपने पति को खोया है। साहब कहीं ना देखिए हमारे रूपत की बहन है, क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? कुछ देर पहले हमारे सीनियर दादा ने कहा कोलहान के सीधे बड़े गांव में जिस तरह दर्दनाक घटना घटी है, आप जैसे हम जैसे कब सीधा साधा लोगों को नक्सल करा लेकर के विकलांग आदमी को इतना क्रूरता से पीटा कि आप लोगों के सामने बयान करने के साथ भी नहीं है। तो क्या हमने जिस उम्मीद के साथ हमें सरकार बनाए हैं क्या शोषण नहीं हो रही है? ये तो सिर्फ बड़े बड़े शोषण जो हम लोग उनके सामने हम लोग रखें, लेकिन उसके अंदर में छोटी छोटी घटनाएं इतनी हो रही है कि सरना के बिहार जंगल में देखिएगा हमारे आदिवासी क्षेत्र में हम अपनी बेटी बात अपने खेत खलिहान के लिए अकेले भी या दो जन भी काम करने जाती है, उस दरमियान जब फोर्स सर्च अभियान में निकलते हैं तो हमारे बेटी बहनों का गीत चील की तरह नोच देते हैं, लेकिन वो अकेली है एक या दो जन है जिसके वजह से वो सिर्फ उनके परिवार तक या दो तीन परिवार तक सीमित रहता है, और वहां तक हमारे हम जैसे आंदोलन जाने हम जैसे नेतृत्व करते हुए नहीं पहुंचती है जो ऐसी सिद्धांत के रहा जा रहा है। लेकिन ये जो इस तरह की अन्याय हो रही है इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या है, कौन ऐसे करा रहा है? इसमें मैं जिस तरह से देख रहा हूं अभी इतनी मतलब जो अभी हमारे स्वतंत्रता का जो अधिकार है सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा आंकुश लगा हुआ है कि बोलना ही मुश्किल। पिछले बार जो यहाँ पर पत्थरगढ़ी का कार्यक्रम हो रहा था और मैं एक ही शब्द लिखा हूं उसमें, वो है खुशी की चिंगारी अब नहीं बनेगी ये गालवा कोलार में भी फैलेगी। उसी दिन एक बजे रात को पत्थरगढ़ी का आरोप देश भर का आरोप लगाकर अदालत ने बंद कर दिया, और किस तरह वहां मानसिक प्रचार किया गया वो तो जो दादा ने बताया था उनको पता है। तो कहां हमारा स्वतंत्र है? और ये सारा इस तरह का जो आज हो रहा है मैं सर गलत भी बोल सकता हूँ, आप लोग इसका इतिहास का पढ़ना अगर कर दिएगा तो देखिएगा आज तक हमारे आदिवासियों को शोषण करने वाले हमारे आदिवासियों को नेतृत्व करता हम शोषण करने वाले हमारा ही आदिवासी भाई कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में घुस करके या तो हम सबके बीच में एक मध्यस्थता को बना करके उन्हीं व्यक्ति के माध्यम से ये शोषण कराने के लिए प्रयास जारी है। चाहे वीर बिरसा मुंडा का देखिएगा अंग्रेज जो लोग उसको पकड़ा उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा ही अध्ययन। आज जिस तरह से फादर स्टेट का जो हुआ है उसमें भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे आदमी के माध्यम से कराया, हमारे कोलहान में जो घटनाएं घटी है उसमें भी जिस जो सीरिया बड़ा का घटना घटी है उसमें भी हमारे आदिवासी का जो एक बड़ा पोस्ट में है उन्हीं के माध्यम से कराया गया है, और आज वो कहीं ना कहीं ये जरखंड जहां लेकर महासभा तीन दिन का हो रहा है यहां पर भी वो लोग मौजूद है, चाहे वो ग्रामीण के रूप में या हम पत्रकार के रूप में या तो हमारा सामाजिक संगठन के रूप में है जो पर्वत वो प्रशासन यूज करता है कहीं ना कहीं अधिक से अधिक प्रभाव लेकर के। तो जो बाहर का जितने खतरा है उस खतरा हमारे बीच में से जो डाली बना करके यूज करता है ये सबसे बड़ा खतरनाक है। मैं अपना आंदोलन में जो अनुभव देखा गया ये भी स्पष्ट रूप से आया है। एक ही दिन मुझको रखा है थाना में, लेकिन काफी हमारे साथियों ने इसका पत्राचार किया गया जिसके चलते अंदर नहीं ले गया उनसे फिर फिका गया, लेकिन हमको भी गिरफ्तार किया गया तो हमारे आदिवासी कब उनसे सवाल जवाब हुआ है? क्योंकि जो प्रशासन में चला जाता है उनको पोस्ट चाहिए प्रमोशन चाहिए, हम सबको जितने शोषण करेगा जितना अत्याचार करेगा वो साल भर दो साल में उसका प्रमोशन होता है। तो इसीलिए साथियों ये हमारे बीच में जो मध्यस्थ जो व्यक्ति है वो बहुत डेंजर होता है बहुत खतरनाक होती है। हो सकता है इसमें आज समस्याएं बहुत ज्यादा है और आप सब इसके बारे
वाकिफ है, सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे हालात को समाधान क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में तो समाधान पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। तो मेरा हमको लगता है दो मुझे ऐसा लगता है आज के डेट में जो ग्रामीण क्षेत्र में मैदानी इलाका में पढ़े लिखे लोग प्रभावित है और वहाँ तुरंत हम लोग पहुंच जाते हैं और कैसे करते हैं क्या करते हैं वो प्रभावित होता है, लेकिन पहाड़ी इलाका में जो इसके बारे में जानते उतना नहीं है, तो वैसे जगह में खास करके ग्रामीण के बीच और हम जैसे जवानों के बीच में वो सशक्तिकरण जो ग्राम सभा हमारे आदिवासी हित पर जो कानून बना है उस कानून के बारे में लोगों को नियमित रूप से जानकारी अगर दे पाएंगे तो जो हनन होती है उस हनन को कैसे दस्तावेजीकरण किया जाता है और उसका सच को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं वो टाइमली अगर कर पाएगा तो शायद जिस तरह से होती है उसको फैक्ट के साथ उस प्रशासन पर डंडा बढ़िया से बढ़िया लगा पाएंगे। दूसरा शायद मुझे लगता है कि ये ना रहे बांस ना बाजे बांस रहे, ये राजनीतिक इशू है, बातचीत नहीं करना चाहिए लेकिन ये राजनीतिक इशू है। कुछ भी करो सारा प्रशासन में सारा कार्यपालिका में न्यायपालिका में विधायिका में ये तीनों कार्यों को जब हम कम से कम 50% हम जकड़ नहीं लेंगे शायद ही इस पर संभव है। आज जिस उम्मीद को लेकर हम जिस पर सत्ता में बैठा है कि हमारे रूप में काम कर रहा है नहीं, कहीं ना कहीं उसमें दबाव है, तो उस दबाव को अगर करना चाहते हैं हमारे युवाओं को ये राजनीतिक सशक्तिकरण लाना बहुत बहुत जरूरी है, अन्यथा हम फिर रोजगार बेरोजगार करते रहेंगे। जर्गन जैसे जिन्हें घनी संपदा से भरा पड़ा है हम रोजगार के लिए सिर्फ नौकरी के चक्कर में रहेंगे और नौकरी में भी हो क्या, आर्मी में जाओगे सीआरपीएफ में जाओगे और पुलिस में जाओगे और आज भेजेगा किसको वही लोग। आज हमारे कई दोस्त लोग पुलिस में है जयपुर में है वो लोग कुछ बोलता है कि जब ऐसा मुसीबत आता है तो हम ही लोगों को भेज देता है और वो लोग अब रिजाइन देने के मूड में भी है और थोड़ा बहुत पैसा होने के लिए हम लोग नहीं देंगे नहीं करेंगे बहुत सारे, तो आप समझ सकते हैं हम लोगों को एक तरफ इधर से दूसरा तरफ उधर से, तो इसीलिए राजनीतिक सशक्तिकरण में मजबूती ला करके हम ऐसे आदमी को भेजना चाहिए जिससे कि हम आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक हित पर काम करें तभी शायद संभव होगा, मुझे ऐसा लगता है। इन सबों के साथ मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि इस प्रकार का दमन है कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है आदिवासियों के लिए दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए। राजकीय दमन और जो देश की मूल अवधारणा है धर्म निरपेक्ष देश में अभी जो जो भी चर्चा हुई मानवाधिकार का जो सवाल है इस पर बात से अपनी रणनीति तय करने का फैसला लिया और यहाँ से आप तय करेंगे कि आप कैसे संघर्ष करेंगे कि मुद्दों पर संघर्ष करेंगे, तो क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में काम करती हूँ तो आपको पता नहीं कि सब धरता को बहुत उम्मीद से देखते हैं क्योंकि आपके जो कानून है वो सबसे ज्यादा मजबूत है और आप सबसे संगठित है और अपने मूल्यों में जन जन के जो स्वाधिकार का मामला है उन मूल्यों में आप इस प्रकार से खुले हैं और यही से क्योंकि आप अपने संगठन में मजबूत है इसके बावजूद जो हम देखते हैं कि फादर स्टैन के साथ जो हुआ वो कैसे हुआ क्यों हुआ और यही दर्शाता है कि दमन क्या होता है हमारे संगठित होने के बावजूद एक दमनकारी सरकार क्या कर सकती है और मुझे लगता है कि इससे आगे की जो रणनीति जो आप तय करेंगे वही रास्ता दिखाएगा बाकी प्रदेशों में उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बाकी के जो राज्य हैं जो भी जो समाज इस प्रकार के जो दमन झेल रहे हैं आप यहाँ जैसे मांग करेंगे जैसे लड़ाई लड़ेंगे सरकार से केंद्र से राज्य सरकार से आपकी जैसे मांगे होंगे उसका प्रभाव पूरे केंद्रीय भारत में होगा। तो अभी इस सत्र में जिस तरीके से बातें हो रही थी उस पर मैं भी दो तीन बातें रखना चाहती हूँ यूएनडीए और एनआईए के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक तो पहली बात ये है कि जब हम यूएनडीए की बात करते हैं और कैसे संभव हुआ उस कानून में इतनी सारी इतना सारा जो आप सुन रहे हैं आज घटना सुना पाकिस्तान की घटना सुनी कैसे संभव होता है
होता है, आने वाले एक्टिविस्ट न्यूज होता है, और औसतन अगर हम देखिए केसेस का कि हम तो इंडिया के केसेस सामान्य तौर पर जब कोविड नहीं था तो 4 से 5 साल लगते हैं एक केस को फैल होने के, तब जब आपके पास एक केस है तो यूपी में हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति के ऊपर 4-5 केस लाने का जो प्रक्रिया होता है वैसा जब होता है तो केस जो है 7-8 साल तक चलते हैं। और अभी जब कोविड के टाइम पर मुझे लगता है कि 2 साल से तो किसी भी यूनियन के केस में ट्रायल नहीं चला है, तो अलमका जैसे कह रहे थे कि ड्राइवर लाइसेंस ऑप्शन में अभी ये बात रखी गई है तो ये मार्क्स पास होनी चाहिए कि अगर सरकार को लगता है कि यूनियन के केस नहीं बनता है तो योजना फाइट करे अपना केस वापस से, और बाकी में जो है सभी जो है वो ट्रायल्स को इसमें एक्सपेडाइट किया जाए। और एक बात जो पॉलिटिकल जब कहते हैं तो जब यूनियन के लिए जब आप कहना है कि जो मतलब ढांचा देते हैं एनआईए का जब काम देते हैं 5 सालों में, तो एक तो यह है कि जो माइनॉरिटी के खिलाफ जो टेररिज्म की घटना हुई समझौता ब्लास्ट हो रहा है ना 40 पाकिस्तान की समझौता ब्लास्ट थे उनका जो मामला हुआ था जिसमें पाकिस्तान में आगे लोगों की हत्या हुई थी, जिनके सारे लोग कहते थे करीब 70 लोग मरे थे मेरे ख्याल से, और जो टका मस्जिद ब्लास्ट हुआ था, और इन सारे जो केसेस हैं जो कि मजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों पर आरोप था उसमें एक भी लोगों को सजा नहीं हुई है, तो ये एनआईए का भी एक रोल बहुत स्पष्ट है कि जब उस तरीके के मामले होते हैं तो बिल्कुल भी सबूत इकट्ठा नहीं करते हैं और एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है इन सारे मामलों में। और दूसरा कि वो हत्या का केस आपको याद होगा जब केरल में वो एक हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसको एनआईए जांच कर रही थी कि ये हत्या और उसका जो पार्टनर शोभा का मामला है क्या उसके कब्जे हत्या मान जा रहा है, उसको ब्रेन वॉश किया और वहाँ के अधिकार किया, और फिर एनआईए जो है वहाँ पर चल के अगर लगता है 20-30 जोड़ों की जाँच कर रही थी, तो ये सब भी मसला है एनआईए के साथ। और मुझे लगता है अंत में समाप्त करते हुए एक क्वेश्चन था लिंचिंग के ऊपर था, और अब वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कि दमन जो रूप ले रहा है धर्म के नाम पर, और जिस तरीके की हम घटनाएं देख रहे हैं चाहे वो संविधान का संशोधन हो, सिटीजनशिप के संशोधन हो, या फिर लिंचिंग की घटनाएं हो, तो मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट से एक इस पर थोड़ा सा मैं इतिहास पर जाना चाहूँगी और थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो शासन और जो राज्य का जो धर्म से जो तत्वों की साकार हुआ है कैसे हुआ है, और इसको हम तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमारे जैसे संगठनों की इसमें क्या रोल रह सकती है, इसके अलावा कि हम जैसे कि लिंचिंग के केसेस में उठाए और उसका विरोध करें, इसके अलावा मुझे लगता है कि मूलभूत चीज की क्या करने की जरूरत है, और चूंकि वो हिमालय है तो एक धर्म में व्यक्ता क्या होती है इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। तो धर्म एक ऐसा जैसा हम जब सब समझते हैं कि तीन व्यापार समय है ना 5 मिनट 3 बेसिक गुण हैं, पहला तो ये कि राज का धर्म नहीं होगा, दूसरा कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपना धर्म मानने के लिए कोई सा भी धर्म मानने का नाम है, और तीसरा है कि उसके किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और चूंकि हम अपना अम्बेडकर की बात कर रहे थे तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ एक नैतिक आधार पर नैतिक मूल्यों के ऊपर संविधान को जन्म देते हैं, तो संविधान हर व्यक्ति को हिंदू धर्म को एक धर्म को धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है, और इसके लिए वो मौलिक अधिकार का हनन ना करे जैसे कि 6 छूट को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये जो है धर्म की व्यवस्था का जो की जो परिभाषा है हमारे संविधान में, तो आजकल की बहुत युवा साथी ने बहुत अफवाह ऐसा फैलाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, हमारा देश तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र था और हमारे संविधान में तो 76 में आया है, 76 में प्रस्तावना में इसको धर्मनिरपेक्ष बनाया है, इसके पहले तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, तो ये समझने की जरूरत है कि ये बात बिल्कुल भी झूठ है। 76 में जरूर हुआ धर्मनिरपेक्ष को बनाने का जो अमेंडमेंट आया, लेकिन उससे पहले भी हमारे संविधान में जो जितनी भी धाराएं आप देखेंगे तो वो धर्मनिरपेक्ष का भी आधार है, 14, 15, 16 जो कहता है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और जो 26 जो आपको आपको जो आध्यात्मिकता की आज़ादी देता है, ये सारी चीज़ें पहले से थी। और उसके बाद जब आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मामले में बहुत महत्वपूर्ण जो डोमेन है, जैसे 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम धर्मनिरपेक्षता की
शहर को जो खोया है, जो कि पूर्ण रूप से फर्जी मामला है, धीमा को रेगा मामले को जिसका भी पकड़ा सकता